अवधि में हजरात अस्सलामुअलैकुम, रात गए की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस ट्रांसमिशन के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा शायरी का होता है, कुछ जिक्र होता है पेंटिंग का, रंगों की बात होती है, और कुछ जिक्र मौसीकी का होता है। इस ट्रांसमिशन का सबसे अहम हिस्सा आप लोग हैं। आपसे हमारा राबता रह सकता है ईमेल के ज़रिए, लाइव कॉल्स के ज़रिए, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ratgaye@ptv.com.pk। इसके अलावा आप हमसे राबता कर सकते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे, दोनों जगह हमारा आईडी और हैंडल जो है वो रात गए के नाम से ही है। इस ट्रांसमिशन में हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये होती है कि बड़े बड़े नामवर लोग आएँ, उनके इल्म से, उनके फ़न से हम कुछ सीखने की कोशिश करें। आज जो लोग हैं, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि वो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल हैं। हमारी जो पहली मेहमान हैं, मीडिया के हवाले से बहुत बड़ा नाम। इन्होंने रिपोर्टिंग से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, एंकरिंग भी की, पाकिस्तान में कुछ चैनल भी लॉन्च किए, सहाफत के मैदान में भी बहुत बड़ा नाम। लेकिन आज इस प्रोग्राम में ये तशरीफ़ लाई हैं बहैसियत एक शायरा के। बहुत खूबसूरत शेर कहती हैं, तीन मजमूए इनके आ चुके हैं, इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा किस कदर मोहब्बत से लिखा हुआ शेर जब कलम से निकलता है, कागज़ पर आता है, तो पढ़ने वाले के जहन पर किस कदर खूबसूरत असर डालता है। मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मैं इस्तकबाल करूं नासरा ज़ुबैरी आपका, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएं, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। और जो दूसरे साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है, पेंटर हैं, उस्ताद हैं, नक्काद हैं, राइटर हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको दिया जा चुका है, सितारा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं, NCA में बतौर उस्ताद पढ़ा भी चुके हैं, पेंटिंग आर्ट और कल्चर पर किताबें भी लिखी। पेंटिंग इन पाकिस्तान आपकी एक किताब है जिसके 5 एडिशन आ चुके हैं। उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी में नस्में भी लिखी, आर्ट पे तनकीद का बेशुमार काम किया। हुकूमती सतह पर भी इन्होंने आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, वजारत तालीम के मदरसा रिफॉर्म सेल्स के मेंबर भी रहे। इसके अलावा इनका तारुफ बहुत तवील है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये खुद अपना तारुफ होते हैं। प्रोफेसर एजाज़ुल हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। और मौसीकी का सिलसिला भी आज बड़ा रंगीन, बड़ा खूबसूरत है। तीन बहनें हैं और मिलके गाती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम चांद रात से अपने फ़न का आगाज़ किया स्क्रीन पर। मौसीकी की तालीम उस्ताद सलीम हैदर और अब्दुल रऊफ से हासिल की, ताल्लुक़ इनका फैसलाबाद से है, फोक कवाली स्टाइल इनका खासा है, और तीन गानों के वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। तालीम भी साथ साथ जारी रखी है। तीनों बहनों ने मुख्तलिफ मज़ामीन में मास्टर्स किया हुआ है। बहुत शुक्रिया मनवा सिस्टर्स, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़। थैंक यू सो मच। आज़रा थोड़ा सा कैजुअल स्टार्ट करते हैं, बजाय इसके कि बहुत ही सकील किस्म की अदबी गुफ्तगू शुरू कर दी जाए। आर्टिस्ट की इस माशरे में अब वो हैसियत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, जो फैज़ और फराज़ और मुनीर साहब का ज़माना हम याद करते हैं, या पेंटर के हवाले से या सिंगर के हवाले से। अब कुछ माशरा तब्दील हो गया है, तो क्या जो फ़न तख्लीक हो रहा है वो इस माशरे की वजह से है? बहुत शुक्रिया हमवार, सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे मुहैया किया। जो आपका सवाल है वो बहुत ही एक ज़ी शऊर इंसान की सोच रखता हुआ सवाल है कि क्या तब्दीली आई है। फैज़ साहब का आपने ज़िक्र किया, उस ज़माने से लेके अब तक, मेरे ख़्याल में ये जो पिछले 20-25-30 साल का ज़माना है, इसमें जो टेक्नोलॉजी का में तब्दीली आई है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो तरक्की हुई है, उसने इतना ज़्यादा इस मुआशरे को और हमारे मुआशरे को, उसकी सोच को, हर चीज़ को बदल के रख दिया है। तो अच्छा या बुरा ये तो एक अलग बहस है, लेकिन तब्दीली है और बहुत बड़ी तब्दीली है। पहले ये था कि जैसे एक, अगर हम मीडिया की बात करें तो PTV था, उसमें अगर किसी की एक गज़ल भी कोई गा देता था या रेडियो पर कोई गा देता था तो वो हिट हो जाती थी, और वो नाम भी चंद ऐसे थे जो जिनको लोग देखते भी थे, सुनते भी थे, और वो नाम जो थे उनके जहनों पे नक्श भी थे। अब एक इंफॉर्मेशन का एक सैलाब है, उसमें पढ़ने वाला, सुनने वाला, तलाश करने वाला जो है ना,
वो तलाश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि आप उस ज़माने के शायर को, अदीब को ज़रा क्रेडिट नहीं दे रही, आप तो कह रही हैं कि वो एक चैनल था तो उस वजह से वो बहुत मकबूल हो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मैं तब्दीली की बात कर रही हूँ। मैं नाज़रीन के, सामईन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि वो एक सुनने वाला या एक देखने वाला जो था उसके सामने एक कॉन्क्रीट समझें कि प्लेटफॉर्म भी था और चीज़ें भी ऐसी थी जो फिल्टर होके आती थी। फैज़ साहब ऐसे तो नहीं बन गए थे और दुनिया में कितने फैज़ साहब थे, तो हम तो उनकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते, तो या और जो बड़े नाम हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि सुनने वालों के लिए आसानी थी, ठीक, पढ़ने वालों के लिए आसानी थी। अब ये है कि चूँकि बहुत ज़्यादा मवाद है तो उसमें से आप देखें ना, उसको फिल्टर करना भी तो एक काम है ना। आप तलाश करते हैं कि भाई क्या हमारे मतलब की क्या चीज़ है, तो उसमें फिर वक्त तो लगता है। अगर आपकी इजाज़त हो इजाज़ साहब से इसी तरह का सवाल, सर हमारे मीडिया ने ना आर्टिस्ट को अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं किया। आप कोई ड्रामा देख लीजिए, कोई फिल्म देख लीजिए, जो सबसे मजहूल शख्स होगा, खपती शख्स होगा, वो अल्टीमेटली आर्टिस्ट ही निकलेगा। आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते। दूसरा, हमने ये भी देखा कि मफलूकुल हाल आर्टिस्ट हमें बड़ा पसंद है और हम समझते हैं कि उसे गरीब ही होना चाहिए। अगर उसके पास साइकिल है तो फिर वो अच्छा शेर लिख सकता है, अगर उसके पास गाड़ी है तो फिर शायद वो आर्टिस्ट नहीं है। ये नज़रिया या ये सोच हमारे यहाँ कैसे दर आई? नहीं, मेरा ख्याल है कि भाई मनफी बातों के साथ साथ बहुत सारे मुस्बत पहलू भी दिखाई देते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे एक दर्जन मुसव्वर थे तो अब मेरा ख्याल है कोई 1200 या 12000 मुसव्वर हैं जो पाकिस्तान में तस्वीरें बना रहे हैं, ठीक, और ना सिर्फ तस्वीरें बना रहे हैं, अपनी तस्वीरों से रोज़गार भी कमा रहे हैं, ठीक, और वो रोज़गार कोई इस तरह नहीं बना रहे कि सड़क बनाते वक्त बीच में रेत डाल के बना रहे हैं, ईमानदारी से तस्वीरें बनाते हैं और अच्छी तस्वीरें बना रहे हैं, ठीक। तो ये एक मुस्बत पहलू है कि एक वसत पैदा हुई है एक पाकिस्तानी मुसव्वरी में। और ये ज़रूर है कि जिस तरह नासरा बीबी भी कह रही थी कि मेरा ख्याल है कि हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसका मुहासबा किया जा रहा है, और मेरा ख्याल है उसके अभी तक सिंथेसिस मुकम्मल नहीं हो पाए, मगर उसकी तरफ एक कारवां ज़रूर आगे बढ़ रहा है। वो करके मुसव्वरी, पाकिस्तान की मुसव्वरी में ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर इसका मुआजना किया जाए दुनिया की अपना ममालिक के साथ, तो एक तो पाकिस्तान की मुसव्वरी, हमारी ट्रेडिशन जो है एक मुसलसल कई हज़ार साल पे मौजूद है, सही, ऐसा और मुल्कों में ऐसी बात नहीं है, सही, और उसमें उतार चढ़ाव आते रहे मगर ये मुसलसल आगे बढ़ती रही। और इतनी डाइवर्सिटी है पाकिस्तानी मुसव्वरी में कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सर, पाकिस्तानी मुसव्वरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरी ख्वाहिश ये होगी इस पर मैं आपसे तफसील से बात करूं। शायरा हमारे पास मौजूद है, बड़ी बदतहजीबी होती है कि शायरा मौजूद हों और हम कलाम की दरख्वास्त ना करें, तो अगर कुछ अनायत हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि बहुत मुद्दत से लिख रही हूँ और मेरी 3 किताबें भी आ चुकी हैं, तो जो मेरी पहली किताब है शगुन, उसकी पहली गज़ल मैं सुनाना चाहूँगी। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, वाह, ये अज़ियत भी दिल ने झेली थी, वाह बहुत अच्छे, बहुत। तुझको पाकर भी मैं अकेली थी, ये अज़ियत भी दिल ने झेली थी, वो के मुश्किल पसंद था और मैं, वो के मुश्किल पसंद था और मैं एक आसान सी पहेली थी, वाह वो, वाह 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 वाह, वो के मुश्किल पसंद था और मैं एक आसान सी पहेली थी, और सामने तेरे किस तरह खुलती ख्वाहिशे लब नई नवेली थी, वाह वाह, सामने तेरे किस तरह खुलती ख्वाहिशे लब नई नवेली थी, और जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, मैं वो उजड़ी हुई हवेली थी, वाह 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 वाह, ये शेर दोबारा सुना। जिसमें आसेब तक नहीं ठहरा, मैं वो उजड़ी हुई हवेली थी, वाह,
और कच्चे वादों के रंग से होली दिल की गलियों में उसने खेली थी। वाह बहुत अच्छे। और खुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में सामने जब तेरी हथेली थी। वाह बहुत अच्छे। खुद को पढ़ती थी मैं लकीरों में सामने जब तेरी हथेली थी। और गैर खुशबू संभालने वाले मैं तेरे नाम की चमेली थी। बहुत अच्छा। गैर खुशबू संभालने वाले मैं तेरे नाम की चमेली थी, तुझको पाकर भी मैं अकेली थी। वाह वाह बहुत शुक्रिया, बड़ी अनायत। अच्छा, इससे पहले कि हम मौसीकी के सिलसिले की तरफ जाएं, मैं माजरत चाहता हूं, हमारे प्रोग्राम में एक और सेगमेंट भी है। सेगमेंट क्या, कुछ और मेहमान भी हैं, उनका तस्करा करना मैं भूल गया। वो आज के दौर के स्टूडेंट हैं, उन्हें हम इस प्रोग्राम में इसलिए दावत देते हैं, उनसे बात भी करते हैं कि सिर्फ ये एक ख़ास जनरेशन का प्रोग्राम ना बन जाए। जो नौजवान नस्ल है उनके ट्रेंड्स के हवाले से, उनकी सोच के हवाले से भी हमें जानने का मौका मिलना चाहिए। चार मेहमान हैं हमारे पास, फरजाना खालिद हैं, नेक नामा हैं, रोमैसा हैं और सहरिश जमील हैं। आपका बहुत शुक्रिया आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। आपकी इजाज़त से बच्चों अब हम जाते हैं मनवा सिस्टर्स के पास, क्या सुनाएंगी? पहला गीत जो हम सुना रही हैं उसके बोल हैं गाड़ी को चलाना बाबू, एक बहुत ही उम्दा गीत, और वो आपके सामने पेश कर रही हैं। जी।
भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम का आगाज किया। नासरा कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत और इतनी हार्मनी तीनों की आवाज में, बहुत खूबसूरत और गीत तो है ही। भाई आप थोड़ा सा ना क्रेडिट इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को भी दें। बड़ा लुत्फ आता है कि अभी हमने इतना अच्छा गीत इनसे सुना और साथ फिर हम शायरी की बात करेंगे, पेंटिंग का जिक्र होंगे। एक शायरी के हवाले से, ख़वातीन के लिए शायरी करना एक तासुर है हमारे अदब में और बड़ा तवाना तासुर है परवीन शाकिर का। जो कुछ परवीन ने लिखा, कहा जाता है कि उसके बाद जितनी ख़वातीन ने लिखा उसी तासुर में लिखा। हालांकि परवीन शाकिर साहिबा ने उस तासुर से निकलने की खुद एक कोशिश की कि जब वो खुशबू के बाद उन्होंने इनकार किताब लिखी जो मज़ामती अदब के हवाले से थी, तो आप भी उस तासुर से मुतासिर हुए बगैर तो नहीं रह सकी होंगी। देखें, परवीन शाकिर का नाम बहुत बड़ा नाम है और जिस सलीके से उन्होंने एक लड़की के दिल की आवाज़ को शेरों के रूप में ढाला, वो अपनी मिसाल आप है। खुशबू की जो है महक, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि हर लिखने वाला जो है वो अपने दिल की आवाज़ को अगर अपनी अपने लफ्ज़ों में ढाले तो वही मेरे ख़्याल में ओरिजिनल होता है। मैंने सिर्फ वो लिखा जो मेरे दिल की आवाज़ थी और मैंने उस वक्त लिखा जब मुझे लगा कि अब अपने ख़्यालात को सफ़ात पे ले आना चाहिए। सही। तो देखें, इंस्पिरेशन तो बेशुमार लोगों से होती है, जिस जिसको भी हम पढ़ते हैं, जिस जिस से हम मिलते हैं, कोई अच्छी बात, कोई खुशबू, कोई फूल, किसी बच्चे की मुस्कुराहट, किसी की अच्छी बात, कोई अच्छा कोट, तो ये सब चीज़ें इंसान को मुतासर करती हैं। हम जो कुछ लिख रहे होते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि वो सब अल्फाज हमारे जहनों में होते हैं जो हमने कहीं से सुने, हमने कहीं से पढ़े, फिर हम उसको अपने हिसाब से अपने उस कालिब में ढालते हैं। तो लेकिन रंग जो है वो अपना होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ वो लिखा जो मेरे दिल की आवाज़। आपने रंग की बात की, मैं रुक ही नहीं सकता कि डॉक्टर साहब से बात ना की जाए। आप भी रंगों से सारी उम्र खेलते रहे, मतलब नासरा ने सारी चीज़ें गिनवा दी कि मतलब खातून का चेहरा भी, बच्चे की मुस्कुराहट भी और फूल भी, कुदरती मनाज़िर। व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन व्हाइल पेंटिंग? इट कैन बी वन थिंग और इट देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कोई भी फनकार जो वो है उसे बढ़ के नहीं हो सकता, और जो वो है वो वही है जो उसके तजर्बात हैं, जो उसका मुशाहिदा है, जो जिस फिक्री मरहल से वो गुजरा है, कि जिस तरह उसने ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया है उसी को वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक। और जब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है तो जाहिर है कि उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि मैंने जो महसूस किया है वो मैं औरों तक भी मुंतकिल करूं और इस अपने एक्सपीरियंस को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो फिर ये भी सोचता है कि उसको एक मौसर है सही जाए ताकि वो असर भी छोड़े, ना सिर्फ के उसके जहन को मुतासर करे बल्कि उसके दिल तक, दिल की गहराइयों तक भी वो बात पहुंच सके। सही। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे एक आर्टिस्ट की एक तो है ना कि जी तस्वीर बनाते हैं मुझे बड़ी पसंद आती है, मैं जब बनाता हूँ मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक ये बड़ी अहम बात है कि उसके ज़रिए मैं औरों तक रसाई हासिल करूँ। इट कनेक्ट्स मी विद अदर पीपल, विद माई टाइम्स और मेरे माशरे के साथ, लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ने का भी एक जरिया है मेरे सही, लिए सही। आप दोनों ने एक बात की कि जो आर्टिस्ट जिस मरहले से गुजरा है ज़िंदगी में, जो कैफियत हैं, दुश्वारियाँ या सहूलतें, जो कुछ भी उसने देखा है वो उसी की बुनियाद पर शेर लिखता है, उसी की बुनियाद पर पेंट करता है। लेकिन ये तो आप बीती हो गई, फिर तखयल क्या है, इमेजिनेशन क्या है, गुमान क्या है? आप मुझसे जी जी एनीवन देखें, तीन चीज़ें हैं जब हम किसी भी तख्लीक की बात करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका मुशाहिदा, सड़क पे हम जा रहे होते हैं, एक हादसा हम देखते हैं तो कुछ लोग रुकते भी हैं, कुछ नहीं रुकते, और एक हसास इंसान वहाँ से गुज़रता है तो वो कहता है कि
वो जब देखता है तो उस पर कोई नज़म लिख देता है, उस पर कोई शेर लिख देता है, ठीक। तो पहली चीज़ मुशाहिदा है। उसके बाद ये है कि बहुत सारे लोग उसको देख के जाते हैं, भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपने उसको याद रखना है, ठीक। और फिर तीसरी चीज़ ये है रिप्रोडक्शन, कि आपने उसको अपने लफ्ज़ों में, अब शेर की सूरत में अगर है तो अपने लफ्ज़ों में आपने उसको ढालना है, और अगर पेंटर हैं तो उसने अपने तरीके से उसको पेंट करना है, तो वहाँ पे उसका अपना रंग उसमें शामिल होता है। देखिए बात तो वही है, सबने देखा, सही, एक सड़क पे हादसा हो गया, सबने देखा, या कोई खूबसूरत चीज़ देखी, कोई खिलता हुआ फूल देखा, सूरज निकलता हुआ पहली किरण देखी, कोई भी इंसान देख सकता है, लेकिन उसको जब वो फिर अपना रंग उसमें शामिल करके, तो वही उसकी, उसका तखय्युल, उसका गुमान, उसकी हर चीज़ उसमें शामिल होके आती है। बिल्कुल, वो रंग शामिल होता है। ये समझते होंगे क्योंकि ये पेंटिंग बनाते हैं ना, तो इनको पता है कि जब एक रंग में दूसरा रंग शामिल होता है तो फिर वो शेड जब बदलता है, हाँ, तो वो कैसे बदलता है? मैं यही सवाल इनसे भी करना था, और कंटेंट के हवाले से इमेजिनेशन, तखय्युल, हम उन चीज़ों को कहते हैं जो आर्टिस्ट ने बसर नहीं की होती, जो उसका गुमान होता है, ख्याल होता है। तो मुझे यूं शायबा सा हुआ जैसे हम सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस करने को आर्ट कहते हैं जो उसने बसर किया है। मेरा ख्याल है कि आप इस तरह तनकीद के हवाले से जब हम किसी चीज़ का तजिया करते हैं तो उसको काट काट के अलहदा करते हैं, ठीक, मगर ये सारी चीज़ें मिली जुली होती हैं, ठीक। ये आर्टिस्ट ये नहीं कहता कि ये मेरा, मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं ख्याल कर रहा हूँ, अब मैं तसव्वुर की, ऐसे नहीं होता। ये सब एक 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 मुशाहिदा ही होता है जो आपकी इमेजिनेशन को ट्रिगर ऑफ करता है, ठीक। यानी कि वैसे बैठे हुए इसके बगैर इमेजिनेशन ट्रिगर ऑफ नहीं होती, ठीक। और जैसे होता है कि एक चेहरे से और चेहरे भी याद आ जाते हैं, एक एक बच्चे की महरूमी देख के, लाचारी देख के आपको अपनी भी लाचारियाँ याद आ जाती हैं, अपने प्यारे भी याद आ जाते हैं, और फिर एक आप कदम आगे भी उठा सकते हैं कि आप पूरे माशरे की लाचारी और बेगानियत को अपना अपने अंदर समेट लें। तो ये एक जर्नी है, तो जितना भी सफ़र कर ले, अपने आप को फैला ले, इतना भी सीना बड़ा कर ले, वो आर्टिस्ट कर सकता है। और कई ऐसे भी हैं कि वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद किए रखते हैं कि अपने आप से बाहर ही नहीं निकलते, ठीक। तो वो भी मैं उनसे उनको कहता हूँ कि दे आर वेलकम टू इट, ठीक है। अच्छा सर, हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में अदबी गुफ्तगु ज़रूर हो, और वो बाज़ुकत ज़रा हैवी हो जाती है आम व्यूअर के लिए। उसका हल जो है ना वो मनवा सिस्टर्स के पास है। क्या सुनाएगी आप? नेक्स्ट सॉन्ग मैनू रब दी सों तेरे नाल प्यार हो गया जी। मैनू रब दी सों तेरे नाल प्यार हो गया, चन्ना सच्ची मुच्ची, तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया, वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची, मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया, वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। बेकरार हो गया, वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची, अखां लगियां ते आपे इकरार हो गया, वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची, मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया, वे चन्ना सच्ची मुच्ची, चन्ना सच्ची मुच्ची। नहीं
एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रात गए कि लाइव ट्रांसमिशन में बड़ा ही शानदार प्रोग्राम हो रहा है, बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आए हैं और मनवा सिस्टर की आवाज़ ने इस प्रोग्राम के रंग को और खूबसूरत कर दिया है। आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इन तीन मेहमानों के अलावा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और उनके नाम एक दफ़ा क्यों कादरी साहब बताने में कोई हरज तो नहीं है ना। ये फरजाना खालिद हैं, नेक नामा हैं, रुमैसा हैं और सहरिश जमील हैं। और सहरिश जमील मुझे यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे अंदेशा है कि वो उधर बैठी है। अच्छा फरजाना, आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप इस तरह का म्यूज़िक सुन रही हैं, इस बेंजामिन सिस्टर्स का कुछ तासर नहीं आता इनकी गायकी से? बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, जो बेंजामिन सिस्टर्स आपको पसंद थी? जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी उतनी ही अच्छा गा रही है? जी बिल्कुल। नहीं, यू कैन बी ऑनेस्ट? या एग्जैक्टली आई एम। अच्छा, साथ आपके सहरिश बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सहरिश, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको मजमुई तासुर? मजमुई तासुर बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। सब कुछ देख के, हर चीज़ एक सिस्टम के साथ है, प्रॉपर चल रही है। योर टीम, यू एंड योर गेस्ट, सब बेहतरीन है। मतलब ये इस तरह के प्रोग्राम आजकल होते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं होते। ये जो है ना, हमारे पास नासरा मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ चैनल्स को हेड भी कर चुकी हैं, भाई इस तरह के प्रोग्राम क्यों नहीं होते प्राइवेट चैनल पे? सिर्फ पीटीवी की जिम्मेदारी है इस तरह के प्रोग्राम करना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं तो इस सिलसिले में बहुत आवाज़ भी उठाती रहती हूँ कि पीटीवी ने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो प्राइवेट चैनल्स को अपना किरदार प्राइवेट चैनल्स बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं? जी, प्राइवेट चैनल्स में ये बहुत बड़ा मसला है कि वो हर चीज़ को रेटिंग से जोड़ते हैं। अच्छा, आपको क्यों गुमान है कि इस तरह के प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आई? ये मुझे गुमान नहीं है, ये तो जो मालिकान हैं, जिनके फैसले हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो ऐसा समझते हैं। या फिर ये है कि वो जो लोग रेटिंग किस लिए है, इसलिए है ना कि जो बिज़नेस वो चाहते हैं, वो जो कमर्शियल्स चाहते हैं वो उनको मिलें। वो कमर्शियल्स चूँकि रेटिंग के बेस पे होते हैं, और वो रेटिंग्स का भी खुदा जाने क्या मसला है, आपको पता है कि वो तो क्या मसला है, 1800 घराने हैं उसके हवाले से, एक ही का पाकिस्तान में कंपनी है उस हवाले से, अब 20 करोड़ पे लोगों पर एक फैसला थोप देते। मुझे मेरा सवाल कुछ मुख्तलिफ था। मेरा सवाल ये था कि ये क्यों गुमान है कि इस तरह के प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आएगी, बिकॉज ट्राई भी नहीं हुए ना? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक देखें, जैसे ये अभी आप का भी ये तासुर है ना, आप कहते हैं कि
अदबी गुफ्तगु होगी थोड़ा सा तो शायद वो बोझल हो जाएगी, तो हम उसमें लाइट पहलू भी डालें, ये भी करें, तो ये भी एक गुमान है। ठीक, हो सकता है कि अगर आप बहुत खालिस अदबी प्रोग्राम रखें तो उसके भी चाहने वाले और देखने वाले हों। मैं आपकी गलतियां निकाल रहा था, आप मेरी गलतियां निकालना शुरू हो गई। नहीं, ये तो आपस में एक बात हो रही ना। आए, आए। तो इस तरह से ये भी उनको भी ये गुमान है कि पता नहीं अगर हम कोई सकाफती या अदबी या कोई इस तरह का मौसीकी जो वाकई मौसीकी है उसका प्रोग्राम करेंगे तो पता नहीं वो क्यों समझते हैं कि क्यों रेटिंग नहीं आएगी। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी रेटिंग आएगी। आई एम श्योर, बिल्कुल बहुत अच्छी आएगी, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का है कि ये ट्राई भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं। अच्छा नासरा, आप ऑन स्क्रीन भी गई, आपने और लाइव शोज भी किए, एंकरिंग भी की, प्रोग्राम्स ऐसे किए जो उसी वक्त में लोगों की नज़रों तक पहुँचे थे, और इस दौरान ऐसे ऐसे लतीफ़े होते हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचते, कोई ऐसी बात आपके जहन में? जी बहुत मज़े की बातें हैं। जब बहुत शुरू में पहला न्यूज़ चैनल जब आया और हम लोगों ने उसके लिए काम शुरू किया तो उसमें ये था कि एक बिल्कुल नया फिनोमेना था, एक प्राइवेट सेक्टर में आप खबरें देने जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो पीटीवी पे आपको पता है कि उनकी एक अपनी ख़ास पॉलिसी थी जिसके तहत न्यूज़ दी जाती थी, तो वो एक अपनी जगह ही एक नई चीज़ थी। अब उसमें ये हुआ कि जब वो लाइव का कॉन्सेप्ट हुआ कि जी हमने इसको लाइव करना है, तो वो तो ऐसे था कि बड़े बड़ों के हाथ पांव फूल जाते थे कि अच्छा, बड़े से बड़ा जो जगातरी प्रोड्यूसर था ना वो भी कांपता था कि अच्छा अब लाइव कर रहे हैं, भाई को गलती ना हो जाए। तो उसमें ये था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर था उसमें बहुत छोटे छोटे चंक्स होते थे, तो उसमें बाज़ू का जैसे एक हेडलाइन है, फिर उसके नीचे उसकी स्टोरी है, तो बाज़ू का ये भी होता था कि वो जो इंट्रो था वो किसी और का लग गया और नीचे स्टोरी किसी और की लग गई। तो उसमें इतने दिलचस्प वाक़यात और ऐसे दिलचस्प एकदम से हो जाता था सामने, और फिर हम बाद में उसको दूसरे बुलेटिन में चेंज करते थे और फिर खुद भी हंसते थे कि हमने क्या कर दिया। तो वो उस तरह से वो वक्त गुजरा, सीखा हमने बहुत कुछ। मैं एक किस्सा बताऊं, हमारा एक पाकिस्तान का चैनल का और एंकर का नाम दोनों हमारे दोस्त हैं, बताना मुनासिब नहीं है, लंदन से, और लंदन में जो हमारे चैनल हैं उनके पास इक्विपमेंट बहुत कम होता है, उसमें जो एंकर साहब थे वो आजकल बड़े मारूफ एंकर हैं, इस वजह से उनका नाम नहीं बताऊं। उनकी जिम्मेदारी थी कि एक टेबल के ऊपर कैमरा लगा के ऑन करके भाग के उन्होंने उधर जाना है और सामने बैठ के उन्होंने अपना बुलेटिन पढ़ना है, और वो इस तरह की मेज़ पे बैठ के पढ़ते थे। जब वो बुलेटिन ख़त्म होता था 30 मिनट का तो वो कट हो जाता था, कैमरा वहीं पर। उस दिन उनकी कुर्सी ख़राब हो गई। अच्छा, अब वो कैमरा, ना कैमरा मैन है ना कुछ, कैमरा वहाँ खड़ा हुआ है और ये कुर्सी नीचे जा रही है और 30 मिनट का बुलेटिन है। तो उन्होंने खुद हमें बताया कि जब मैं आखिरी लाइनें पढ़ रहा था तो मेरी सिर्फ गर्दन टेबल से ऊपर थी। हाँ, इसी तरह जैसे वो एक दफ़ा ये हुआ कि वो प्रोड्यूसर ने कट कर दिया और वो उसी लम्हे जो न्यूज़ कास्टर था वो अब उठ के, और उसको शायद पानी लेना था या क्या, तो वो एक उसने सोचा होगा कि मैं जल्दी से लेके वापस आ जाऊँगा, उसने कट कर दिया प्रोड्यूसर ने। अब स्क्रीन पे क्या दिखा रहे हैं हम कि उसका कोट रखा हुआ सर। ऐसे वाकया तो सर, कोई ऐसा कोई वाकया किसी क्लास में हुआ हो? मुसव्वरी की क्लास में ऐसे वाकये। अच्छा, मुझे वैसे ये लगता है कि जो लोग पेंटिंग या मुसव्वरी पढ़ाते हैं वो जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट भी तो होता तो फनकार ही है। जी। तो कोई अच्छा शगुफ्ता जुमला, कोई वाकया, कोई ऐसी चीज है जहन में? मेरे जहन में इस वक्त तो अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मुझे ये बताइए, आप नौजवान नस्ल, नौजवान पेंटर मुसव्विरों से मायूस हैं? होना तो चाहिए, क्योंकि बड़ा इन है आजकल नौजवान नस्ल से मायूस होना। नहीं, मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि नौजवान नस्ल जो है वो बुढ़ों को रारमाई दिखा रही है सही किस रास्ते पर चलना चाहिए, और मैं समझता हूँ नौजवान नसन बेबाकी से सच्ची बात करती है, हम थोड़ी सी मिलावट करके बात करते हैं। तो ऐसी तो बिल्कुल मुसव्वरी के मैदान में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, तरह तरह मकतबा फिक्र के साथ, इसलूब के साथ तस्वीरें बनाई जा रही हैं। यानी कि एक ज़माने में मिनीचर पेंटिंग करने का एक ही अंदाज़ था,
अब कई उसकी जहतें देखने को आती हैं। मैं समझता हूँ कि मुसव्वरी के मैदान में खासा जरखेज सूरत हाल है। अच्छा, कुछ नौजवानों के नाम जो आप मेंशन करना चाहें, जो करंटली या तो अपना नाम बना चुके हैं या आपकी नज़र ने उन्हें देख लिया है कि वो फ्यूचर के बड़े आर्टिस्ट हैं। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे अगर अपना नाम सुनेंगे तो स्टेज पे ये इनकरेजमेंट उनके लिए बहुत काफ़ी है। देखिए जी, मैं एज ए टीचर, मैं ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये पब्लिकली, ये अगर किसी को शाबाश देनी है तो ये बायलैटरल एक्टिविटी है। ठीक। और ये जो पब्लिक है ना, ये बहुत सारे मतलब आर्टिस्ट अपनी नमाइश करवाते हैं और जनाब आप उसके ऊपर झूठ सच के इंट्रोज लिखवाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ मुसव्वर जो है या कोई भी आर्टिस्ट है, बुनियादी तौर पे वो इज ए प्राइवेट पर्सन, और उसको एक हद से ज़्यादा के सड़क पे चलना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो मेरा सामने उसको अपना दामन बचा के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सही सही। ले आपने कहा ना कि वो ज़माना बड़ा तब्दील हो गया है, आपने कहा कि प्राइवेट शख्स होता है। मुश्ताक अहमद यूसुफी का जुमला है और नासरा इससे इंजॉय करेंगी, उन्होंने कहा कि आजकल लोग किताब इसलिए छपवाते हैं जिस मकसद के लिए पहले विजिटिंग कार्ड छपवाए। ये सही, मैंने भी पढ़ा ये। मौसीकी के सिलसिले की तरफ चलते हैं, आपकी इजाज़त से क्या सुनाएंगी भैया? अब हम नाहिद अख्तर जी का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग पेश करेंगी जिसके बोल हैं, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई। मिलाई के मत वाली कर दी।
बहुत अच्छे, बहुत लुत्फ आ रहा है आपको सुनने का। ये जो मेहमान यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसको सुनने का भी आपको लुत्फ आ रहा है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है जो अच्छा, चीजें। एक खास बात डॉक्टर एजाज साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ और वो बात सुन के आपको और लुत्फ आएगा। आपने ज्यादातर दरख्त को पेंट किया, व्हाई इज दैट? नहीं, मैंने दरख्त को मैंने एक अलामत के तौर पे पेंट किया है, क्यों करके एक तो ज़िंदगी की अलामत है दरख्त, और फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसे दरख्त हैं कि आप सड़कों पे जाएं, कीकर का एक दरख्त है, वो ऐसे लगता है कि सारे जैसे हमारे मुल्क के गुरबा का उसने कर्ब अपने अंदर समो रखा है। क्या अच्छी बात। तो इसलिए मेरे लिए एक तो है कि मैंने हमेशा दरख्त को एक अफाकी हवाले से नहीं, हमेशा हर दरख्त जो है एक इनफरादी उसकी एक शक्ल और उसकी एक इनफरादियत होती है, उसके हवाले से मैंने इस खास को भी पेंट किया है कि इवेंट्स को, फिगरेटिव पेंटिंग भी मेरी काफ़ी है। मैं एक बात जाते हुए कहा जाऊं कि अभी आप जा कहां रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि एक इन पासिंग मैं ये कहूं कि मुसव्वरी के साथ आज के प्रोग्राम में एक ज्यादती ये हो रही है, ये ऐसे ही है कि मैं आपको आलू गोश्त का जायका बताने की कोशिश करूँ, ये तो खाने से ही पता चलता है। ठीक ठीक। अब मुसव्वरी पे बात हो और तस्वीर ना हो तो इसका आइंदा हाल कुछ हो। लेकिन इसका एक जवाब इस तरह दिया जा सकता है, मैंने एक किताब पढ़ी और असलम कमाल ओस्लो में, जी असलम कमाल साहब को जाहिर है हम सारे जानते हैं उनकी खताती के हवाले से, मुझे ये अंदाजा हुआ कि पेंटर जब लिखता है ना तो वो लफ्ज़ों के ज़रिए तस्वीर बना रहा होता है। असलम कमाल साहब ने जब किसी मंज़र को उस किताब में लिखा तो उसमें वो सारे रंग पहले एक्सप्लेन किए कि दरख्त किस तरह के थे, पत्ते किस तरह के झड़े थे, सलेटी रंग की सड़क थी और जो खातून थी उन्होंने किस किस्म का स्कर्ट पहना हुआ था। तो जब हम आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाते हैं, इस प्रोग्राम में पेंटिंग की नुमाइश नहीं हो सकती, हम उनसे ख्वाहिश ये करते हैं कि लफ्ज़ों के ज़रिए पेंट करें। नहीं, वो बात सही है, क्यों करके मैंने तो बेतहाशा तनकीदी मजामीन लिखे हैं, मगर मैं आपको मौसीकी और अदब में एक मुवाजना करें, मुसव्वरी में एक फ़र्क है कि एक देर इज़ ए टाइम सीक्वेंस इन लिटरेचर एंड इन म्यूजिक, ट्रू, के एक शुरू होता है और फिर एक शेर ख़त्म होता है। सही। इसी तरह गाना भी या राग भी शुरू होता है, उसकी इब्तदा होती है, ख़त्म होती है। मुसव्वरी एक चीज़ है कि वो एक लम्हे में उतरती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए उसको ज़रा एक मुश्किल पैदा होती है कि सिर्फ उसे अल्फाज में बयान किया जाए कि और वो जिसको हम बयान कर रहे हैं वो गैर हाजिर हो। एक खूबसूरत अफाकी चेहरे को तो बयान किया जा सकता सही, है सही। मगर एक मुनफरद तस्वीर को बयान करना जरा मुश्किल, एक हद तक जरा मुश्किल। नहीं, आपकी सजेशन बिल्कुल वैलिड है। एक और बात, चूंकि हमने बहुत सारे आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, जो पेंटर्स होते हैं ना ज्यादातर मैंने देखा है जो शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना निगार हैं, वो गुफ्तगू अच्छी करते हैं। जो पेंटर है ना वो अमूमन शाय होता है, वो मतलब इज़ नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो बहुत ही थोड़े से लफ्ज़ों में बात करते हैं।
तो ये मैंने एक सब में खासियत नोटिस की है, मुझे खुद नहीं पता इसकी क्या वजह। नहीं मैं मेरी बेगम कहती है यार ये बोलता नहीं, या बोलता तो चुप नहीं करता। अच्छा बेगम तो का मसला तो और है ना सर, मैं आज बोल नहीं रहा काम बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इतना अच्छा है गीत हो रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू अंडर इनका भी। मगर जाहिर है कि भाई एक मुसव्वर को अल्फाज से एक वैसे वाकफियत नहीं होती जैसे एक शायरा को या शायर को होती है, मगर जहाँ पे हमें हमारे अपने कस्ब की बात हो तो वहाँ हम लफ्ज़ ढूंढ ही लेते हैं बिल्कुल सही, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। नासरा आपने बहुत देर से हमें कुछ सुनाया ही नहीं। मैं सुना तो रही हूँ लेकिन आपकी मुराद अगर गजल मुझे ना प्रोग्राम है तो ये दो घंटे का, लेकिन उस सब के बावजूद पेस इतना है कि बाज़ोकात जी लगता है किसी का मौका नहीं आया। मैं असल में ये सोच रही थी कि जब आप खूबसूरत मौसीकी और फिर उसमें अमीर खुसरो का कलाम हम सुन रहे हैं इतना खूबसूरत, तो मेरी शायरी चूंकि थोड़ी सकील है तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई आपको ऐसी थोड़ी लाइट चीज़ सुनाऊं। जी बिल्कुल। तो एक मैंने गज़ल निकाली है, ये था पसंद फरमाएंगे। दिल जमी पर आसमाने रंगो बू है हर तरफ। बहुत अच्छी। दिल जमी पर आसमाने रंगो बू है हर तरफ, एक नुक्ता हूँ मैं जैसे और तू है हर तरफ। वाह वाह। दिल जमी पर आसमाने रंगो बू है हर तरफ, एक नुक्ता हूँ मैं जैसे और तू है हर तरफ। और ये अभी आप लाइट सी शायरी सुना। वाह क्या बात है जी। ख्वाब है दीवानगी है या निगाहों का फरेब। बहुत अच्छे। ख्वाब है दीवानगी है या निगाहों का फरेब, वाह एक सूरत तेरे जैसी हूबहू है हर तरफ। वाह बहुत अच्छे। ख्वाब है दीवानगी है या निगाहों का फरेब, एक सूरत तेरे जैसी हूबहू है हर तरफ, और हर तरफ तेरी निगाहें तेरे बाजू तेरे लब। बहुत अच्छे। हर तरफ तेरी निगाहें तेरे बाजू तेरे लब, एक समंदर एक किनारा एक सबू है हर तरफ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फूल जुगनू रंग बादल चांद खुशबू रोशनी। क्या अच्छे। फूल जुगनू रंग बादल चांद खुशबू रोशनी, तेरा लहजा तेरी बातें तेरी खू है हर तरफ। वाह 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 वाह। चांद फूल जुगनू रंग बादल चांद खुशबू रोशनी, तेरा लहजा तेरी बातें तेरी खू है हर तरफ, और मैं के जैसे दरमिया ठहरा जजीरा प्यास का। अच्छा मिश्रा। मैं के जैसे दरमिया ठहरा जजीरा प्यास का, तू के बहते पानियों की मौज तू है हर तरफ। वाह वाह बहुत अच्छा। मैं के जैसे दरमिया ठहरा जजीरा प्यास का, तू के बहते पानियों की मौज तू है हर तरफ। वाह वाह जी वाह। और तेरी राहों से भला मैं किस तरह बचकर चलूं। तेरी राहों से भला मैं किस तरह बचकर चलूं, जिस तरफ उठे कदम तू रूबरू है हर तरफ। वाह वाह बहुत अच्छा। तेरी राहों से भला मैं किस तरह बचकर चलूं, जिस तरफ उठे कदम तू रूबरू है हर तरफ, और बेजहत बेफायदा बेसाइबा और बेनिशान। बेजहत बेफायदा बेसाइबा और बेनिशान, इश्क के सहरा में तेरी जुस्तजू है हर तरफ। वाह वाह। दिल जमी पर आसमाने रंगो बू है हर तरफ, एक नुक्ता हूँ मैं जैसे और तू है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। इतनी खूबसूरत गजल के बाद अब मौसीकी बनती है ना। क्या सुनाएंगी आप? अगला सॉन्ग चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। जी जी। Thank you.
के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। बहुत मज़ा आ रहा है एजाज साहब, हमारे पास जितने आर्टिस्ट आए ना, और अब तक 40 के करीब आर्टिस्ट हमारे पास आ चुके हैं, सब में एक बात कॉमन थी, उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट पेंट विदाउट म्यूजिक। तो ऐसा आपके साथ भी है? मैं मौसीकी सुनता हूँ तो मौसीकी सुनता हूँ। अच्छा, दोनों शोबे अलग। बैकग्राउंड में कभी नहीं उसे इस्तेमाल किया। अच्छा, आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। हम रोशन आरा बेगम के मतलब सुनने वालों में से हैं बैठ के, तो नहीं, आई डोंट थिंक आई नीड कि मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई है कि पीछे म्यूज़िक लगाया जाए और तस्वीर बनाई जाए। ठीक, अक्सर तो मैं मौके पे तस्वीर बुनियादी तौर पे तैयार करता हूँ, जहाँ पे हालात वाकयात हों। मैं स्टूडियो में नहीं काम करता। अच्छा। स्टूडियो में चीज़ें लेके आता हूँ, वहाँ पे मैं असेंबल करता हूँ अपने ख्याल। आई एम नॉट ए स्टूडियो, आई पेंट लाइफ एज इट एग्जिस्ट, जैसे है वहाँ पर, और उसको फिर आके फिर उसको इकट्ठा करके, जैसे कि ख्याल में जमाल और जमाल में ख्याल दाखिल करके, कि भाई वो एक प्रोसेस है जो मैं फिर स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ। तो नहीं, ये मैं आई एम लवर ऑफ म्यूजिक, बट इट्स नॉट ए कंपल्शन। नहीं। अच्छा, आपने सारी दुनिया में मतलब अपना काम पेश भी किया, ट्रैवल भी किया, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को या पाकिस्तान में जो काम हो रहा है उसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है? इज इट कंपेयरेबल?
देखिए जी, मैं आपको मुख्तसर से मिसाल के साथ बात समझाता हूँ। एक तो पंजाबी का मुहावरा है कि जिसके घर दाने और कमरे भी सियाने। ठीक। लियोनार्डो डी विंची का अंडरवेयर भी ज्यादा महंगा बिकेगा बेजाद की तस्वीर से। सही। समझे ना? तो ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि क्या मयार आप समझते हैं। ठीक। आप क्यों लंदन और पेरिस को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो तयन करें कि कौन सी आर्ट अच्छी है और बुरी है, कौन सी तस्वीर अच्छी है या बुरी है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी मौसीकी की जो तारीख है, तहरीक है, वो नहीं वहाँ से तस्दीक चाहते, उनके अपने एक मयार हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी मुसवरी, जैसे मैं ये कह रहा था कि एक मुसलसल एक स्कूल ऑफ थॉट के बाद दूसरी, बहुत सारे, अगर मुझे इजाज़त दें, मिस्र की मुसवरी फिरौनिक पीरियड की इतनी ज़बरदस्त अभी तक जिंदा है, मगर उसके बाद कोई स्कूल ऑफ पेंटिंग वहाँ नहीं हुआ या मॉडर्न। हमारे यहाँ तो हज़ारों साल पे मुसवरी की तहत जो ट्रेडिशन है वो महीत है, हम उसे वाकिफ ना हो ये अलहदा बात है। तो हम नेचुरल यहाँ पे, आप यहाँ पे गांव में चले जाएं, वहाँ पे आदमी मंजी तो बैठा, उसने सोटी पकड़ी होगी, वो कोई ना कोई ड्राइंग कर रहा होगा। इसे नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है हमारे में तस्वीर कशी की और इमेजेस बनाने की। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पे जो ना मेरा 70s का काम है, आपने थोड़ा सा मुझे मेरी धरती के वाले से मुझे ललकारा, मैं कुछ कह दूं। I wanted you to speak on ये मिसाल के तौर पे वहाँ पे पॉप आर्ट बड़ी चढ़ी। अच्छा, पॉप आर्ट वहाँ की जो कैपिटलिज्म कमर्शियलिज्म का इजहार थी। अब ठीक है कि मैं ये समझता हूँ कि भाई एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक डाकू होता है, जहाँ भी उसको अच्छी चीज़ मिले उसको जेब में डाल लेनी चाहिए। ये कॉपी करने की बात नहीं है, ये कलेक्टिव कल्चर है सारी दुनिया का। किसी का कोई जो बिल्कुल साफ सुथरे पाक चश्मे होते हैं वो सूख जाते हैं, वो तो नदी तक नहीं पहुँचते। नदियों ने पहुँचना होता है दरिया में, दरिया में दुनिया भर का गंद होता है, उसमें सैंड भी होती है, उसमें क्या क्या नहीं भी उसमें गुजरता, और वही है जो समुंदर में जा गिरता है। सही। तो इसलिए डाइवर्सिटी दुनिया से इस्तेफादा करना चाहिए और उसको अपने अंदर समो लेना चाहिए। मगर ये जो है, मैंने ये उसको हमने अमेरिका में ये हालात नहीं थे, जो यहाँ हमारे हालात थे, हमारी नेबरहुड में हालात थे, जो सियासी हालात थे, जो फलस्तीन के हालात थे, जो वियतनाम की जंग के हालात थे, जो हमारे मुल्क के अंदर हालात थे, तो उसको हमारे एक पॉलिटिकल ट्विस्ट थी। यानी कि जो इमेजेस कॉमन इमेजेस थे यहाँ पे इश्तहारों के, फिल्मी पोस्टर दरबारों पे छपे, जो आम फैम थे, उनको उनमें उनको मैंने एक ऐसी शक्ल अख्तियार की कि आम फैम बनाया कि आम आदमी में खड़ा हो जाता था, उसको बात रिलेट करता था उससे। तो ऐसा काम पाकिस्तान में हुआ है, ये किसी यूरोप में नहीं होगा, क्योंकि वो हालात ही नहीं थे। बिल्कुल सही, वो हम ही कर सकते थे यहाँ पे। इसी तरह हर मुल्क का एक अपना मुनफरद फन होता है मुसवरी का, जो उसके हालात मुतय्यन करते हैं, उसको आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हर मुल्क का एक अपना खाने का तरीका होता है, बनाने का सालन बनाने का तरीका होता है, उनको मज़ेदार लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो हलीम किसी मोहल्ले में बनती है वो नहीं जी हलीम हमारी हलीम जो है सारी दुनिया से बेहतर है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए अपनी पहचान हमें खुद पैदा करनी है और है हमारी पहचान। और एक आखिरी बात, आई थिंक कि हमारी रियासत के हवाले से मजबूती तौर पे मेरा ख्याल है बिल्कुल गफलत उसने इख्तियार कर रखी है, जहाँ के फ़नून लतीफ़ा का जहाँ के जहाँ तक ताल्लुक है। और ये सिर्फ हम टीवी की बात करते हैं, प्राइवेट टेलीविजन की, वो तो कारोबारी लोग हैं, मगर शौरी तौर पर भी मेरा ख्याल है कि भाई एक माशरती की सतह की जिसकी नुमाइंदा रियासत होती है कि उसकी कोई कोशिश नहीं है, भरपूर कोशिश नहीं है कि म्यूज़िक को आगे बढ़ाया जाए, अदब को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही। ये इनकी ज़ाती कोशिश है, ये बच्चियों की कोशिश है, ये गीत गाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बड़े लोग हैं, अब तो गाँव में शायर पैदा हो गए हैं, और वो बड़ी क्या नाम है रेडिकल शायरी हो रही है, सिर्फ शहर में नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह क्या नाम है
फैलाव है। हाँ, खास तौर पे अगर साउथ के हवाले से, साउथ पंजाब के हवाले से बात की जाए, वहाँ नौजवान लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस प्रोग्राम को आपने पॉलिटिकल ट्विस्ट की बात की, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट मैं देना चाहता हूँ, नासरा के पास जाना चाहता हूँ। आपने खबर से काम शुरू किया जो नसर है, फिर आपने शेर लिखा। आपको तो बुनियादी तौर पर अगर आना था तो अफसाने की तरफ, नावल की तरफ आना था, आप शेर की तरफ कैसे? मैं शेर की तरफ आई नहीं, असल में ये होता है ना कि आपके अंदर कोई ऐसी जरासीम होते हैं जो बाद में फिर वो, या कोई ऐसा बीज होता है जो फिर दरख्त बन जाता है। तो मैं शुरू में तो ऐसे था कि मैं जब कोई शेर पढ़ती थी, कोई गज़ल पढ़ती थी या कोई चीज़, तो मैं अपने तौर से उस, हालांकि वो मुकम्मल और भरपूर होता था, लेकिन मैं अपने लिहाज से कहती थी कि अच्छा ये अगर यूँ हो जाए ज़्यादा बेहतर है, तो इस तरह मैं उसको अपने तौर पे चेंज करती थी। फिर होते होते ये हुआ कि मैंने एक दिन सोचा कि मैं ख़ुद क्यों ना लिखूं, तो मैंने फिर एक गज़ल लिखी। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे अपनी अपने ख़ानदान में मेरे अंकल थे जो बहुत बड़े शायर थे और बहुत खूबसूरत लिखते थे, मसरूर अनवर, सोनी धरती जिन्होंने लिखा, तो मैंने डरते डरते उनको वो दिखाया तो बहुत खुश हुए। तो फिर उन्होंने मेरे अम्मी और अब्बा से भी कहा कि ये लिखे तो इसको रोकना नहीं, ठीक, इसको लिखने दें, इसके अंदर एक स्पार्क है। तो इस तरह से मैं लिखती रही लिखती रही, तो अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ किया, और साथ साथ मैंने अपना ये नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद जो मेरी खुशकिस्मती ज़्यादा बड़ी ये हुई कि शादी के बाद मेरे जो शौहर हैं उनको मुझसे भी ज़्यादा शौक़ था। जी जी, तो वो शहाब ज़ुबैरी का आपकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन है और आपका शहाब ज़ुबैरी की ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो ये मेरी जो तीनों किताबें छपी हैं ये उन्होंने छापी हैं। आई एम श्योर। तो वही इसको, और ये कांच का चिराग जो इतनी खूबसूरत इसका टाइटल वाइटल सब आप देखते हैं, ये सब उनकी मेहनत है। तो मैं तो शायद छापती भी नहीं, लेकिन उन्होंने, तो फिर इस तरह से जब ये होता चला गया तो मैं भी लिखती रही, मेरी भी हौसला अफजाई होती रही। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि मैं माँ भी हूँ, मैंने अपना घर भी देखना था, अपने बच्चे भी पालने थे, और मैं जॉब भी करती थी। हाँ। मैंने चैनल्स भी बनाए और जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन हूँ मैं, तो वो काम भी साथ साथ चलता रहा। बस ये शायरी चूँकि इसमें बहुत जान थी तो ये साथ साथ चलती रही। ठीक है, हमने आपसे कुछ सुनना भी है, लेकिन इस वक्त मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद सारे लोग यहीं मौजूद हैं, कोई जा तो रहा नहीं, तो फिर बात करते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। और इस प्रोग्राम में दिलचस्पी की बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक पेंटिंग से, मुसव्वरी से, विजुअल आर्ट से है, वो चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में सिर्फ प्रोफेसर एजाज़ुल हसन साहब से बात की जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक है अदब से, सहाफ़त से, शेर व शायरी से, उनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादातर गुफ्तगू का मौका नासरा ज़ुबैरी साहिबा को दिए। और लोगों की एक बड़ी तादाद है जो ये प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि इसमें अच्छा म्यूज़िक होता है, तो आप लोगों की इजाज़त से मैं ज़रा मौसीकी के सिलसिले की तरफ जी मौसीकी के दिलदार क्या सुनाएंगे जी आप? जी, अभी भी एक और पंजाबी का सॉन्ग है, लाइयां लाइयां में तेरे नाल ढोलना। जी, जी। अजरा जहां जी ने इनको इसको गाया, इस गाने को, और हमें बहुत पसंद है। जी, हमें ही बहुत पसंद है। लाया लाया
ना तू मेरा ऐसे आना मैनू गलदा बड़ा के रखी डो मेरा जी चाह रहा है कि हम लोग जो सारे इधर बैठे हैं या पीछे जो स्टूडेंट बैठे हैं आपके लिए क्लैप करें, होना चाहिए ना। बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा प्रोफेसर, मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद आर्टिस्ट की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, इज़ दैट करेक्ट स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट को टेक्नोलॉजी के साथ अपने इजहार में एक वसत भी मिल रही है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही होती हैं। ठीक। कि एक ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के ताबे हो जाओ और आप खुद यानी कि आप सबमिट योर सेल्फ टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो फिर नकाल बन जाएंगे आप। बिल्कुल सही। तो अगर आप उसको अब इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो पहले नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो मैं आपकी इजाज़त से अब गुफ्तगू का, क्योंकि मुझे ये, मैंने इस पे तवील बात करनी थी, थोड़ा सा आपके माइक में मसला है, वो हम अभी ठीक करवाते हैं, उतनी देर हम नासरा से ही बात कर लेते हैं। नासरा, मुझे ये बताइए, सहाफ़ी तो बड़ी क्रूड सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो तो मतलब को जलजला, कुदरती आफात, लड़ाई मार कुटाई, सियासत की जो है सारे सिलसिले बयान करता। शायरी तो बड़ी पोलाइट सी चीज़ है, ये तो दोनों रोल्स कैसे निभाती हैं? देखें, ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रही, बहुत सारे आप देखें कि शायर या शायरात जिनका प्रोफेशन जो है वो कुछ और है, वो अपने जो भी उनका प्रोफेशन है वो उसमें अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं, और शायरी जो है वो चूंकि एक अपने दिल की आवाज़, अपना पैशन, अपना शौक़ होता है, तो वो उससे थोड़ी उसको अलग रखते हैं। आप यकीन करें कि मैंने इतना अरसा जो काम किया, मैंने चैनल्स भी लॉन्च किए, मैंने बेशुमार लोगों को ट्रेनिंग दी जिसमें एंकर्स भी थे, जिसमें न्यूज़कास्टर सब, और मैंने कभी ऑफिस टाइम में या ऑफिस में बैठे हुए मैंने ना तो कभी शेर पढ़ा, ना कभी सुनाया, ना मैंने कभी शायरी पे बात की। वहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ जो वो मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड वो वक्त जो होता है मैं उसी को देती हूँ, उसमें मैं कोई और बात नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो आज का हमारा सेट है, ये आपके ऑफिस जैसा तो नहीं है? ज़ाहिर है नहीं है। तो यहाँ तो आप शेर सुना सकते हैं? तो सुनाइए, आप हुक्म करें तो शेर जितने कहे हाजिर। एक गजल है जो ये मेरी तीसरी किताब है, तीसरा कदम, उससे मैं आपको एक गजल के चंद शेर सुनाती हूँ। जी अच्छा। जर्द जंगल में कोई सब्ज परी रहने दो। जर्द जंगल में कोई सब्ज परी रहने दो, दर्द के पेड़ पे एक याद हरी रहने दो। बहुत अच्छा। जर्द जंगल में कोई सब्ज परी रहने दो, या दर्द के पेड़ पे एक याद हरी रहने दो। वाह। और वहशते शामे जुदाई न निकालो दिल से। वहशते शामे जुदाई न निकालो दिल से, इस समंदर में ये शौरीदा सरी रहने वाह, दो। वाह, 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 वहशते शामे जुदाई न निकालो दिल से, इस समंदर में ये शौरीदा सरी रहने दो, और खुश्क होना है छलक कर इसे आखिर, फिर भी खुश्क होना है छलक कर इसे आखिर, फिर भी और कुछ देर मेरी आंख भरी रहने दो। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा। खुश्क होना है छलक कर इसे आखिर, फिर भी और कुछ देर मेरी आंख भरी रहने दो। वाह। और शेर सुनिएगा कि ख्वाहिशें खाना बदोशी की गिरफ्तार हैं ये। ख्वाहिशें खाना बदोशी की गिरफ्तार हैं ये, इन हवाओं से बंधी दर बदरी रहने दो। दर बदरी रहने दो। बहुत अच्छा।
ख्वाहिश खाना बदोशी की गिरफ्तार हैं ये, इन हवाओं से बंधी दर बदरी रहने दो, और तूर से दूर पुकारेंगे कि देखें इस बार, तूर से दूर पुकारेंगे कि देखें इस बार, खोल दो भेद कि तुम पर्दा दरी रहने दो। वाह 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 वाह, दूर से दूर पुकारेंगे कि देखें इस बार, खोल दो भेद कि तुम पर्दा दरी रहने दो, और किस लिए इसमें मिलाते हो ये दुनियादारी, किस लिए इसमें मिलाते हो ये दुनियादारी, बात दिल की है तो फिर बात खरी रहने दो। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर है कि उसने जाते हुए बख्शी थी किताबें हिजरां, उसने जाते हुए बख्शी थी किताबें हिजरां, याद के ताक पे सौगात धरी रहने, वाह वाह, सर्द जंगल में कोई सब्ज परी रहने दो, वाह दर्द के पेड़ पे एक याद हरी रहने दो। आपसे भी बहुत सी बातें करनी है, एजाज साहब से भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन मौसीकी के सिलसिले के बाद जनाब, हाँ जी, क्या सुना रही हैं आप? अभी नेक्स्ट सॉन्ग है ना, तो जो मुसर्रत आपके चेहरों पे होती है ना, वो देख के भी बड़ी खुशी होती है। ये गाने आज फर्स्ट टाइम गा रहे हैं सारे गाने, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सॉन्ग है बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा। जी जी, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ दिया, बड़ी मुश्किल से बना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात दिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ दिया, बड़ी मुश्किल से। जैसे जैसे आप गा रहे हैं ना, इस प्रोग्राम का हुस्न, इस रात का रंग ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में एजाज साहब को मेरी कोशिश के बावजूद पता तो चल ही गया होगा कि मुझे मुसव्वरी का कोई खास इल्म नहीं है। मुझे अंदाज़ा है कि आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा। एक आर्ट की फॉर्म होती है
अब मुझे नहीं पता कि उससे रियलिस्टिक पेंटिंग, मतलब जैसा दरवाज़ा है आपको वो दरवाज़ा ही नज़र आएगा और लोग उसमें दरवाजे में दाखिल, उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? रियलिज्म एक इस तरह, इंसान ने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और इसको मतलब इसको रियलिज्म भी कहते हैं, नेचुरलिज्म भी कहते हैं, हकीकत पसंदी भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपका इशारा किस तरह? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मुझे वो उन्होंने एक उस फॉर्म के बारे में एक किसी का कमेंट था, एंड आई वांट योर कमेंट ऑन इट, कि मतलब अगर ये जो मंजर नजर आ रहा है ये एग्जैक्टली ऐसा नजर आना शुरू हो जाए तो वो कहते हैं कि इसमें तो फिर आर्टिस्ट नहीं नजर आ रहा, ये तो वो काम है जो कैमरा भी कर सकता है, तो उस पर आपका कॉमेंट चाहिए था। मेरा तो मेरा ख्याल है ये मफरूजा नहायत बेहूदा है, ठीक, कि कैमरा भी जो है आप कैमरे को इस्तेमाल करेंगे, आप उसकी लेंस किसी मुख्तलिफ जगह पे फोकस करेंगे, मैं कहीं और करूँगा, उसके रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे, ठीक, ये ऐसी कोई बात नहीं है मैकेनिकल, ठीक, कि अल्टीमेटली कोई भी आपके ब्रश पकड़ा हो, कैमरा पकड़ा हो, जो भी है, जो आदमी उसे इस्तेमाल कर रहा है ये उसमें से वही उसी चीज़ का इजहार होगा, कैमरे के ज़रिए भी और ब्रश के ज़रिए भी और अल्फाज के ज़रिए भी, ठीक। एक तो मैं ये कहूँगा, दूसरी बात ये है कि भई एक ये ऐसे कहा जाता है कि जैसे कि एक हकीकत बयान करना कोई आसान बात है तो उसमें मिलावट करनी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ हकीकत को ढूंढना ही एक ज़िंदगी की मुश्किल तरीन चीज़ है कि भई आप सच्चे रास्ते ढूँढें सही और हकीकत तक पहुँचें। हम कई मरतबा हकीकत तक पहुंचने के लिए जो हमें सतही तौर पे नज़र आता है, सतही तौर पे हम उसमें गहराई ढूंढने के लिए उसमें तब्दीलियां करते हैं, बहुत अच्छी बात, मगर मकसद जो होता है वो यही होता है कि हकीकत की तह तक पहुंचा जाए, ठीक। अब कुछ मॉडर्निज्म का एक ये मैं समझता हूँ जिसको तजरीदियत कहते हैं, ये एक अवारगी का भी है, एक मार्केट इकॉनमी का भी एक सिलसिला है। मैं तो समझता हूँ कि मॉडर्निज्म जिस हवाले से शुरू हुई थी वो अपनी रूह ही भूल चुकी है, नाउ इट इज़ बिकम पार्ट ऑफ मार्केट इकॉनमी, ठीक, कि उसको बेज़रर बना दिया जाए, एक सांप के मुंह से जहर निकाल दी जाए ना तो वो गुंडोया बन जाता है। आजकल की मॉडर्निज्म गुंडोया है, इट इज़ नॉट दैट मॉडर्निज्म जिसने, और यूरोप में मॉडर्निज्म का मकसद कुछ और था, अगर मुझे इजाज़त दें मैं थोड़ी, प्लीज कि वहाँ पे हुई दो जंगें जिससे दुनिया तबाह हुई और यूरोप तबाह हुआ, और वहाँ पे कुछ दानिशवरों ने और फनकारों ने और शायरों ने और फलसफियों ने कहा कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, मगर हमें ये पता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी बात, कि वो सकाफतें और वो फिक्र जिसकी वजह से ये दो जंगें हुई उसे हमने रद्द करना है, नेशनलिज्म, तो उससे वो मॉडर्निज्म एक पैदा हुई, ठीक। अब उसके बाद एक मॉडर्निज्म एक शक्ल अख्तियार कर दी कि जी ये मॉडर्निज्म है, कि जेड़ी आम बंदे नु समझ ना आवे वो मॉडर्निज्म है, जो समझ आए ये घटिया बात है। वो किसी ने कहा कि जी वो बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा शायर है वो जी, वो आम आदमी को समझ नहीं आता। तो ये किसी ने कहा जी कि वो एक और भी बड़ा, बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा शायर है, वो किसी को भी नहीं समझ आता। तो ये तो कोई बात, मैं समझता हूँ कि बड़ा जो फलसफी हो और बड़ा जो शायर हो, बड़ा जो, उसकी बात बड़ी आसानी से लोगों के दिल में उतर जाती है और उसमें कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं है। नहीं, आपने जो जिक्र किया कि मतलब बाज़ का शायर जो है ना वो जब मुश्किल हो जाता है तो वो समझता है कि पढ़ा लिखा हो गया, दानिश्वर हो गया। एक शायर थे हिस्ट्री में, नासिख, ये वो वाले नासिख नहीं जो मशहूर थे, जी उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के शेर लिखे हैं जिसका कोई मानी नहीं होता था, लेकिन मैं उनका एक शेर आपको सुनाता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी, आपको तो ज़्यादा उर्दू आती है, थोड़ी सी उर्दू आती है ना तो आप समझेंगे कि मैं कोई बड़ी अकल की बात कर रहा हूँ। उनका शेर था कि नासिख है सुखन तेरा तिरयाक तरीहा, नासिख है सुखन तेरा तिरयाक तरीहा, जिम्बाक तरीहा लका जिम्बाक तरीहा, इसका कोई मानी नहीं है, लेकिन ये वो मुशायरों में पढ़ जाते थे और लोग उन्हें बड़े लायक शायर समझा करते थे। ये आपकी उस बात से कि रियलिज्म में, ये मैं आपको बताऊं, ये एक मुझे लगता है, मेरा कुछ अंग्रेजी अदब से जी भी कुछ ताल्लुक रहा,
तो ये मॉडर्निज्म के वक्त ये यहाँ तक आया कि भाई लफ्ज़ लिख के कुछ शायर काट के एक टोपी के अंदर डाल लेते थे, उसमें से एक निकालते थे और वो लिख देते थे। अच्छा, और उसे वो नज़म बनाते थे, जिम जिम उराला ये वो। मैं एक नज़म की ये वाकई एक मिसरा मैं बयान कर रहा हूँ, ये इटालियन पोइट था। तो ये उसकी एक रविश है, रविश ये है कि बेमानवियत को क्या नाम है एक रेलेवेंट के इट वॉज सिनिकल कॉमेंट, एक सिनिकल कॉमेंट था ऑन ट्रेडिशनल पोइट्री एंड ट्रेडिशनल कल्चर, कि एक हादसात और वाकयात जो हैं उससे जो चीज़ बने गालबन वो ज़्यादा सेहतमंद होगी बनिस्बत एक एक ऐसे जेन के, एक बीमार जेन के जो शोरी तौर पे तस्वीरें बनाता है या नज़में लिखता है। ये उस वक्त की इजाफा करना चाहूँगी कि ये भी है और दूसरी तरफ ये बात भी है कि इंसान थोड़े वक्त के बाद ना तब्दीली चाहता है। जब एक सिन्फ किसी भी, चाहे वो शायरी में है, चाहे वो मुसव्वरी में है, चाहे वो मौसीकी में है, जब वो एक अपने अरूज को पहुंच जाती है तो उसके बाद फिर वो इंसान जो है वो चाहता है कि इसमें कोई तब्दीली लाए। जैसे मौसीकी में अब देखें फ्यूजन का दौर है, ठीक है तो इसलिए कि जो क्लासिकल रंग था वो अपने अरूज को पहुंचा, तो उसके बाद अब क्या करें, फिर उसको ही तोड़ फोड़ कर दी, फिर ये जैसे हम रीमिक्स कर लेते हैं तो फ्यूजन का दौर आया, उसको भी आजकल है दौर तो वो कर लेते हैं। एक तो ये भी चीज़ है तब्दीली वाली, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि जब वो हकीकत की तलाश में वो दूसरा कोई और पहलू निकालते हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ आर्ट जो होता है वो हमा जहत होता है, यूनिलैटरल होता है, और कुछ जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें आपको एक ही मिसरे में या एक ही नज़्म में आपको कई डायमेंशन, कई जहतें नज़र आती हैं। जैसे मुनीर नियाजी की कोई नज़्म पढ़ते हुए मुझे, मेरे साथ ये होता है कि एक वक्त में मैंने वो नज़्म पढ़ी तो मुझे कुछ और उसके मानी मिले या और फ़ज़ा बनी उसकी, और किसी और वक्त में उसका कुछ और मतलब निकला, तो वो जहतें भी होती हैं इसमें। नासिर, मैं आप लोगों से इल्म और तजुर्बे के मुकाबले में बहुत कम हूँ। मैंने बुनियादी तौर पे अफसाना लिखा है। मेरा इस बारे में छोटा सा कमेंट ये है कि लोग चेंज ज़रूर चाहते हैं लेकिन रेडिकल चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होती। मतलब अगर आप सफ़ेद रंग को स्याह रंग कहना शुरू कर दें, ये चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होती। जहाँ आपने म्यूज़िक की बात, ये तो निगेशन हुई ना, म्यूज़िक की बात की, हमारे पास बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है नुसरत फ़तेह अली ख़ान की। उन्होंने कव्वाली वही गाई है, बुनियादी कव्वाली को तब्दील नहीं किया, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नए यूज़ किए। ये इतना सा चेंज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान पॉप गाना शुरू कर देते वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। खैर, गुफ्तगू शकील होती जा रही है, शेर सुना जाए, गाना सुना जाए, जग्गू साहब क्या करें, शेर सुनते हैं। शेर सुने, अच्छा जी, कुर्रा शेर के नाम पड़ा। वैसे मौसीकी की तो मैं ख़ुद बहुत मद्दा हूँ और मैं ये समझती हूँ कि म्यूज़िक थेरेपी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल, आपके मूड को चेंज कर देती है। आज ये जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है, ये म्यूज़िक थेरेपी लोगों तक पहुँच रही है और पोइटिक थेरेपी भी पहुँच रही है। शुक्रिया। एक सादा सी गज़ल है। अच्छा, बाकी सादा नहीं थी ये ज़्यादा सादा। अच्छा, तेरे हसीन शहर का नक्शा बदल गया। आहा। तेरे हसीन शहर का नक्शा बदल गया, एक तू नहीं तो शहर ही सारा बदल गया। वाह वाह, ये सादा बिल्कुल नहीं है, ये सादा बिल्कुल नहीं। तेरे हसीन शहर का नक्शा बदल गया, एक तू नहीं तो शहर ही सारा बदल गया। कैसी पुकार थी किसी प्यासी जमीन की। आहा, बहुत अच्छा मिसरा। कैसी पुकार थी किसी प्यासी जमीन की, रस्ते को अपने छोड़ के दरिया बदल गया। वाह वाह वाह। कैसी पुकार थी किसी प्यासी जमीन की, रस्ते को अपने छोड़ के दरिया बदल गया। और हम जीत के करीब थे, हर चाल खूब थी। वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा। हम जीत के करीब थे,
हर चाल खूब थी फिर यूं हुआ बसात पे मोहरा बदल गया। वाह वाह हम जीत वा, के वा, करीब वा, थे वा, वा, हर चाल खूब थी फिर यूं हुआ बसात पे मोहरा बदल गया और शौके सफर ने पांव को थकने नहीं दिया। शौके सफर ने पांव को थकने नहीं दिया मंजिल करीब आई तो रास्ता बदल गया। वाह वाह शौके सफर ने पांव को थकने नहीं दिया मंजिल करीब आई तो रास्ता बदल गया और आंखें उदास थीं कभी मुस्कान होंठ पर। आंखें उदास थीं कभी मुस्कान होंठ पर हर बार तेरी याद का चेहरा बदल गया। बहुत अच्छे बहुत आंखें उदास थीं कभी मुस्कान होंठ पर हर बार तेरी याद का चेहरा बदल गया और शायद बड़े जहान में होता हो तबसरा। शायद बड़े जहान में होता हो तबसरा छोटी सी इस जमीन पे क्या क्या बदल गया। वाह 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 तेरे हसीन शहर का नक्शा बदल गया एक तू नहीं तो शहर ही सारा बदल गया। वाह बहुत अच्छा भाई अब तो फिर मौसीकी की बात बनती है इसके बाद और अब जो है ना गुफ्तगू नहीं होगी अब क्या सुनाएंगे आप। अभी नुसरत फतेह अली खान साहब का जिक्र हो रहा था तो उन्हीं की ही गाई हुई एक कवाली ही है घड़ियाल देवो निकालनी मेरा पिया घर आया। जी जी Thank you.
बहुत अच्छा आप गा रही हैं और बड़ी मुश्किल मुश्किल चीज़ों को हाथ डाल रही हैं, बहुत अच्छी। हाँ जाहिर है अभी आपकी जो एज है और आपने बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बहुत अच्छा गा, थैंक यू सो मच, बहुत लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है आपको सुनने, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा बोर बातें इनका इंतखाब, नहीं नहीं आप बोर बातें नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब मैं एक हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होता है और जो हमारे सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे एक सवाल, हम एक ही सवाल है, 50 प्रोग्राम हो गए हैं हमारे, एक से एक ही सवाल पूछते हैं और हर लोग, हर तरह के लोग अपनी सूझ पूछ के मुताबिक उसका जवाब देते हैं और किसी का जवाब गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि सवाल ऐसा, और वो माशरती सा समाजी सा सवाल है। कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि हमारे माशरे में हमारी सोच में शिद्दत बहुत ज़्यादा आती जा रही है, नफ़रत बहुत फैलती जा रही है, एक दूसरे से इख्तलाफ करने का तरीका, करीना, उसलूब अब हमको नहीं आता। हम अब जो है अपने जज्बों में भी, चाहे वो नफ़रत हो चाहे वो मोहब्बत हो, बहुत शदीद हो गए हैं। इस पे बहस करने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है कि ये हमारे अंदर शिद्दत कैसे दर आई है। जो यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं उनसे ये सवाल पूछना होता है, और हम इन सबको दानिश्वर समझते हैं इस सेहत का, कि जो कुछ हो चुका सो हो चुका, अब इस माशरे को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या हीला, क्या करीना इख्तियार किया जाए। प्रोफेसर साहब, योर टेक ऑन दिस। देखो जी, एक मुख्तसर जवाब तो ये है कि भाई आप तफसील से जवाब, नफरतें फैलाना तो हमारा लगता है कौमी फरीजा बन चुका है। सही कि पहली बात यह है कि मुल्क का जो कानून है उसकी बालादस्ती को कायम करना चाहिए, सिर्फ कायम ही नहीं करना चाहिए, उसका इतलाक करना चाहिए, और जो कोई भी मज़हब के हवाले से या रवायत के हवाले से, चाहे ट्राइबल रवायत हो या कोई हो, कोई भी किसी के ऊपर तशद्दुद करता है तो उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। ठीक, तो जितनी देर हम अपने कानून का इतलाक नहीं करते जो हमारे आइन के मुताबिक बने हुए हैं, तो फिर आगे बात करनी तो फिर रस्मी बात हुई ना। ठीक, अदर एज एन आर्टिस्ट या एज ए पोएट या एज ए शहरी के हवाले से तो इनफरादी तौर पे हम इसकी मजम्मत करते ही रहते हैं, शेरों में करेंगे, तहरीर में करेंगे, तकरीर में करेंगे, तस्वीरें बना के भी हम करेंगे। ठीक, कि जिस तरह बच्चों को पेशावर में क्या नाम है कत्ल किया गया, वो भी मुसलमान लोग ही थे जिन्होंने आके गोलियां चलाई और मारा वहाँ पे, उस सिलसिले में आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उस सिलसिले में बहुत बड़ी नुमाइश की, और उसका टाइटल था कि भाई मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स। मैंने भी तस्वीर बनाई और बेहद अच्छा, नेशनल अपना गैलरी इस्लामाबाद में भी नुमाइश हुई। तो इस ये इनफरादी कोशिशें तो होती रहेंगी, मगर इसमें बुनियादी बात है कि मुल्क का कानून जो है उसका इतलाक होना चाहिए, और जो गैर मुतल्लिका लोग हैं, मैं हूँ, मेरा हक नहीं बनता कि मैं फैसला करूँ कि इसने गलत काम किया है या बुरा, मैं जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता हूँ। यहाँ पे ये हो रहा है, जिसका दिल करता है वो जनाब जाके तशद्दुद करता है, कत्ल करता है, मारता है, मज़हब के नाम पर, रवायत के नाम पर, कि जी हमारे कबीले की ये रवायत है, अगर ये हो तो हम उसको, अब हमारी इज्जत जो है उसका बदला लेने के लिए ये किया हुआ है, ये चीज़ों को बंद आप करेंगे तो इट विल बी, ये एक एक बिगनिंग, एक इब्तदा होगी एक एक चीज़ों की। और दूसरी बात ये है कि हम अपने रवैये में भी के हमें, हम मुसलमान हम बड़े बनते हैं, मगर किसी चीज़ पे जो कुरान पाक में लिखा हो या सुन्नत रसूल हो उस पर कोई अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पे ये हमें बचपन से बताते थे कि हमारे रसूल ऊंचा नहीं बोलते थे, मगर हमने ज़रूर सबसे ऊंचा बोलना होता है,
तो वहाँ पे हम सुनते रसूल भूल जाते हैं कि हम आराम से बात करें, प्यार से बात करें, हम बात बात पे झगड़ा करते हैं। तो जो हम जिसके लिए हम कतरे कत्ल और गारत पे उतर आते हैं अपने मज़हब के हवाले से, उसके असूलों पे एक इंसान बनने की भी कोशिश। बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और कोई जवाब इस सिलसिले में किसी दानिश्वर का गलत नहीं होता। नासरा, योर टेक ऑन दिस। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में बात वही है कि इस चीज़ पे तो रोना बेकार है कि कैसे आ गई, क्यों आ गई, शिद्दत पसंदी आ गई है ठीक, और बहुत शदीद है। हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको सुनने को तैयार नहीं है। अब इसकी रोकथाम कैसे हो, इसके लिए हमें बहुत सारी सतहों पे काम करने की ज़रूरत है ठीक। तो इंफरादी सतह पे तो कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, मैंने नज़म लिख दी, आपने अफसाना लिख दिया, इन्होंने तस्वीर बना दी। लेकिन ये है कि जैसे होता है ना कि आपको वॉर फुटिंग बेसिस पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से आपको एक काम करना चाहिए, तो उसमें यही है कि ख़ास तौर पे निसाब में शामिल किया जाए कि जो एक हलीम तबाह होना, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना और ये सिखाना शुरू से बच्चों को। अब जो नस्ल बन गई बन गई, जो कम से कम आ रही है नस्ल उसको तो सिखा सकते हैं ना कि आप की का एक नुक्ता नज़र है, आप एक सोच रख रहे हैं कि एक बच्चा है वो कह रहा है वो ये सामने फूल पड़े हुए, कोई और बच्चा जो है वो उसको किसी और तरीके से बयान कर सकता है, उसको उसका बयान मुख्तलिफ हो सकता है। ये मुझे इधर से 6 नज़र आ रहा है, दूसरे दूसरे को 9 नज़र आ रहा है, इधर वाले को शायद वो कुछ और नज़र आ रहा है, उसका एंगल डिफरेंट है। ये चीज़ें शुरू से बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है कि एक से ज़्यादा नज़रियात हो सकते हैं और इसके लिए ज़ाहिर है कि उस्ताद काम कर सकते हैं, निसाब में शामिल किया जा सकता है। और फिर ये है कि हमारे उलमा जो हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को बयान कर सकते हैं। आप तो समझते हैं कि हमारे देहातों में अभी भी जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं उनका बहुत रोब होता है उनका, और उनको बहुत माना जाता है, उनके ज़रिए ये बात जो है लोगों तक पहुंचाई जा सकती है कि भाई आप रहमतुल आलमीन जो हैं उनकी ज़ात मुबारक को देखें और उस पर अमल करें, बजाय इसके कि हर चीज़ में आप सोटा उठा लें और खंजर उठा लें। तो बहुत सारी चीज़ें आपने कुछ इस मौजू पे शेर की ज़ुबान में कहा, अभी लिखी तो बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ शेरों में इसका इजहार हुआ है, लेकिन अभी इन्होंने जब बात की पेशावर के बच्चों की तो वो ऐसा एक वाक़या था कि मतलब उस पर तो खून खौल जाता है, तो सारी दुनिया को झंझोड़ दिया, उसने झंझोड़ दिया और दुनिया भर में लोग रोए। तो उस मैंने उस पर एक लिखी थी, ये छपी भी नहीं है अभी, यानी किताब में भी शामिल नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपको थोड़ा सा वो एक गुसीला रंग नज़र आए तो वो फिर वाकया ऐसा है कि जी बिल्कुल। उसके इस नज़्म का उन्वान है आखिरी तंबीह। आखिरी तंबीह जी। हमारी धरती पे खुद हमारे लहू के छींटे उड़ाने वालों, हमारी धरती पे खुद हमारे लहू के छींटे उड़ाने वालों, हमारी सड़कों पे खुद हमारी ही रोज़ लाशें गिराने वालों, हमें बताओ कि हमसे रखते हो क्या दावत, हवा में बारूद के धुएं से हमारी सांसें जलाने वालों, खबर है तुमको कि इस फजा से हमारी सांसों की क्या है निस्बत, हमारे खेतों की नर्म फसलों पे बम के शोले गिराने वालों, कभी ये सोचा कि कैसे पल में उजाड़ देते हो सारी मेहनत, हमारे बच्चों के फूल जिस्मों से खून के कतरे बहाने वालों, ये जानते हो लहू के कतरे की क्या है कीमत, हमारी हर सांस में अगरचे मोहब्बतों की महक घुली है, हमारे आबा से हमको विरसे में सिर्फ इंसानियत मिली है, मगर है अब तो हमारी नस्लों को ऐसा ख़तरा कि जिसने हमको भी इंतहाई कदम उठाने पे अब मजबूर कर दिया है कि हम ये चाहें तुम्हारे सर पे भी टूटे कोई क़यामत। अब इससे पहले कि सूफियों की मुरव्वतों का सबक भुलाकर
हमारी धरती के लाल उठें, तलाश करके गली गली से तुम्हारी हस्ती के सारे नामों निशा मिटा दें। अब इससे पहले कि सारी माएँ जवान बेटों का हिजर रोते हुए अचानक दिखाएं अपने अजीम रब का जलाल तुमको, और अपनी भीगी हुई सदा से बजाए रब्बुर रहीम गुस्से में कहार और जब्बार को पुकारें, बजाए सब्र और रज़ा के उनके हजी लबों पर बद दुआ हो कि जाओ तुम पर हमारे रब की कड़ी सजाओं का कहर टूटे। हमारे दिल की रगों को काटा है तुमने जैसे, खुदाए मुनसिफ का फैसला भी तुम्हारी रग रग को काट डाले। अब इससे पहले के तोड़ डालें हम अपने अंदर के जब्त सारे, हमारी धरती की सरहदों से करो किनारा और अपने मस्कन को लौट जाओ। तुम्हारे मस्कन तो दूर वीरान जंगलों के गलीज भट हैं, सो भाग जाओ पलट के जाते हुए, यहाँ से समेट कर बांध लो ये वहशत, उठा के ले जाओ बुजदली की हर एक अलामत ये अपनी दहशत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें ये भी है बात कि ये जो सब कुछ करने वाले हैं ये हम में से नहीं हैं। बिल्कुल सही है नासरा। अब जहाँ तक आप ये प्रोग्राम पहुँच गया है ना, अब बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश ही नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रोफेसर एजाजुल हसन साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया, नासरा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। मौसीकी के सिलसिले की तरफ चलते हैं। अब जिस सतह पर पहुंच गए हैं, जिस मकाम पर आ गए हैं, अब इन लोगों की मर्जी है कि जहां चाहें प्रोग्राम को ख़त्म करें। जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली से ही इसका वाइंड अप करेंगे। बहुत ही मशहूर कवाली है उनकी, आ जा तेनू अखियाँ उड़ीक दी। पूरे की हवा चले, दिल मेरा डोलता।
ਉਹਦਾ ਤੁਰਸ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ